नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। विधानसभा बैहर पहुंचे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। हाल ही में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का आह्वान किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में लगभग 11,000 किलोमीटर यात्रा करने का और मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों में उतरने की योजना बनाई थी, जहां यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर को की गई थी, जो आज प्रदेश के महाकौशल कहे जाने वाले क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र बैहर पहुंची, जिसमें लोगों को भारी हुजूम नजर आया और बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शिरकत की। वहीं यात्रा का स्वागत युवा कांग्रेस द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता ने बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया और शिवराज सरकार में प्रदेश में हुए तमाम घोटाले और नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस रैली में बालाघाट जिले से युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज पटेल और बैहर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्की तिवारी ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि यह जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही, जहां कांग्रेस के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग यात्रा प्रभारी बनाया गया है। वहीं बालाघाट जिले में यात्रा के प्रभारी कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सिहावल से मौजूदा विधायक कमलेश्वर पटेल कर रहे हैं, जिनके साथ विधानसभा बैहर से विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके, लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे, अन्य दो कांग्रेस विधायक नजर आए। तो वहीं यह जन आक्रोश यात्रा 26 सितंबर की रात्रि को गढ़ी पहुंचकर और 27 सितंबर की सुबह को रैली के बाद बैहर के गोंडवाना कॉम्प्लेक्स के सामने सभा को संबोधित करने के बाद बिरसा की ओर चली गई, जहां से वे 27 सितंबर की शाम को विधानसभा क्षेत्र लांजी में प्रवेश करेंगी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस उकवा से अशोक कामरे के साथ रिपोर्टर निखिल राज की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।